हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा? वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा मेजर मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे मेजर मिनरल बेल्ट्स के बारे में। ये इस साली जोड़ा गया था ये वाला टॉपिक, तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। हो सकता है भाई मैथ के अंदर भी लोकेशन पूछ सकता है अपनी मेजर मिनरल बेल्ट्स के बारे में, या फिर बेसिकली अपने 2 मार्क्स का चैप्टर होता है तो उसमें से भी ये पूछ सकता है अपन से। ठीक है, चलिए तो अपन बात करते हैं सबसे पहले मेजर मिनरल बेल्ट्स के बारे में कि अपने यहाँ पे कुछ क्या पेटियां बनाई गई, मतलब कुछ एक स्पेसिफाइड एरिया बताए गए बेटा जिसमें मुख्य मुख्य रूप से खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो सबसे पहले तो अपन इस वर्ल्ड को देखते हैं भाई मिनरल्स। अब मिनरल्स जो वर्ल्ड है वो बना हुआ है बेटा किससे? माइंस वर्ल्ड से बना हुआ है। ठीक है, माइंस वर्ल्ड से बना हुआ। माइंस का मतलब क्या होता है? खदान। तो खदानें जो होती है, ठीक है, तो उनसे ये निकाले जाते हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं अपन मिनरल्स की। तो मिनरल्स क्या होती है कि मिनरल्स आर दोज सब्सटेंस विच हैड डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल कंपोजिशन एंड दे आर फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस, हमारी जमीन के नीचे वो पाए जाते हैं, जो माइनिंग करके निकाले जाते हैं वो तो होते हैं मिनरल्स अपने। यानी अगर शुद्ध भाषा में बात करें बेटा अपन के जो हमारी अर्थ सरफेस के नीचे से निकाले जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं, उन्हें ही अपन क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ, मिनरल कहते हैं। अच्छा, इनके पार्टीशन की बात करें तो बेटा ये होते हैं आपके कौन से? एक तो होते हैं आपके मेटेलिक, और एक कौन से होते हैं आपके? नॉन मेटेलिक। दो तरह के होते हैं ये। मेटेलिक कौन से? जिनके अंदर मेटल पाया जाता है। और नॉन मेटेलिक कौन से? जिनके अंदर मेटल नहीं पाया जाता है। मेटेलिक की बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बेटा कौन से? फेरस। और एक कौन से होते हैं? नॉन फेरस। ठीक है, फेरस कौन से होते हैं? जिनके अंदर आयरन के सब्सटेंस मौजूद होते हैं बेटा। ठीक है, जैसे आयरन ओर हो गया, ठीक है अपना। और नॉन फेरस कौन से होते हैं अपने? जिनके अंदर आयरन की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, जैसे अपने मार्बल वगैरह हो गए, ठीक है, अपनी क्लेज हो गई, तो उनको नॉन फेरस बोलते हैं। एक और रह गया अपना, एक और होता है मिनरल, कौन सा होता है? एनर्जी मिनरल। एनर्जी मिनरल कौन कौन से होते हैं बेटा? एनर्जी मिनरल आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब आपके बेटा एनर्जी मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स आर वो दोज नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस बीनीथ द अर्थ सरफेस विच हैड डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल कंपोजिशन। ठीक है, उनके टाइप्स कौन कौन से? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक होते हैं। ठीक है, और अगर मेटेलिक की बात करें तो मेटेलिक भी कितने होते हैं? फेरस एंड नॉन फेरस होता है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया अपना इसका बारे में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेजर मिनरल बेल्ट्स के बारे में। ठीक है, देखिए आगे तो सबसे पहला जो मिनरल बेल्ट आ रहा है वो आ रहा है बेटा नंबर 1 वाला बेल्ट। ये कौन सा बेल्ट है अपना? ये अगर पोजीशन की बात की जाए तो ये कहां कहां पर होता है बेटा? ये होता है अपना कहां पर? छोटा नागपुर। ये वाला एरिया आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ठीक है, एक तो इसमें फैला हुआ है ये, ठीक है, एक अपने झारखंड तक फैला हुआ है बेटा। ठीक है, और एक फैला हुआ है ये उड़ीसा तक। देखिए आगे कि नॉर्थ ईस्ट मिनरल पेनिनसुलर बेल्ट के सिचुएटेड फ्रॉम छोटा नागपुर। कहां से फैला हुआ है? छोटा नागपुर। कहां पड़ता है छोटा नागपुर? ये वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो उड़ीसा प्लेट्यू तक फैला हुआ है। ठीक है, और प्लस अपन इसमें एक और जोड़ सकते हैं। कौन क्या जोड़ सकते हैं? झारखंड इसके अंदर अपन जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे मोस्ट वेल्थियस्ट मिनरल बेल्ट कहते हैं जो हमारे यहाँ पर जितनी भी पेटियां थी, जो पांचों पेटियां बेल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनमें सबसे जो वेल्थियस्ट जो पेटी है वो कौन सी बेटा? नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर बेल्ट कहलाती है। ठीक है, सबसे वेल्थियस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा पाया जा रहा है यहाँ पे? कोल पाया जा रहा है। ठीक है, फिर आयरन ओर है, माइका है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, कॉपर है, ये सभी चीजें यहाँ पर पाई जाती है। तो ये तो हो गया अपना पहला नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट, और इसकी लोकेशन अपन ने यहाँ पे बताई दी, तो इसको आप ध्यान रखें, मैप में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा आता है अपना सेंट्रल बेल्ट। सेंट्रल बेल्ट की पोजीशन क्या है? ये रहा अपना सेंट्रल बेल्ट। ये सेंट्रल बेल्ट की पोजीशन हो गई अपनी, कैसे? कि एक्सटेंडेड इन छत्तीसगढ़। कहां पर फैला हुआ है? एक तो छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है? एमपी। यहीं पर एमपी पड़ता है अपना, ये एमपी तक फैला हुआ है। ठीक है, फिर आता है कहां? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहां पर है? ये वाला एरिया है, ये यहां तक फैला हुआ है आंध्र प्रदेश तक। ठीक है, फिर तेलंगाना भी इसमें जोड़ सकते हैं अपन यहां पर। ठीक है, और फिर उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र का। तो थोड़ा सा एरिया जो अपना है महाराष्ट्र का इधर से आ जाता है, तो इन एरियाज में ये बेटा फैला हुआ है। ठीक है, सेकंड वेल्थियस्ट
और ये क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट के बाद सेकंड वेल्थीएस्ट बेल्ट कहलाता है और एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसमें आता है आपको क्या क्या मिलता है यहाँ पे, तो मैंगनीज मिलती है यहाँ पे, बक्साइड मिलती है, लाइमस्टोन, मार्बल, कोल, ये सब चीजें मिलती हैं। कोल की बात करें तो यहाँ पर अपनी कुछ मुख्य मुख्य जो है, जैसे बेतुल हो गया, बालघाट हो गया, ये वाली यहाँ पर माइंस यहाँ पर देखने को मिलती है अपन को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सदर्न बेल्ट के बारे में। भाई नाम से पता चला सदर्न तो किधर होगा, सदर्न दक्षिणी भाग में होगा। ठीक है, तो अपने थर्ड वाले पे आते हैं, इस वाले भाग पे आते हैं, ये दक्षिणी भाग वाले में आ गया। ठीक है, कहाँ कहाँ पर स्थित है, स्प्रेड इन कर्नाटका प्लेट्यू एंड हाईलैंड्स ऑफ तमिलनाडु, यानी कहां पर स्थित है ये, जो अपना डेक्कन प्लेट्यू है उसके सदर्न वाले भाग में कहां पे पड़ता है, कर्नाटका प्लेट्यू, यहां पर कर्नाटका प्लेट्यू है यहां पर पड़ता है। ठीक है, और प्लस कहां तक फैला हुआ है, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है, गुड रिजर्व्स लाइक क्या क्या मिलते हैं यहाँ पर, किसकी तरह रिजर्व मिलते हैं, जो हमको नॉर्थ ईस्ट में भारी मात्रा में रिजर्व मिलते थे, ऐसे इस वाले बेल्ट में भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो आयरन ओर के भरपूर मात्रा में आयरन ओर के मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, बक्साइड के मिलते हैं। ठीक है, लिटिल डिपॉजिट्स ऑफ कोल, माइका एंड कॉपर। ठीक है, इसके अलावा हमको कुछ गोल्ड्स के भी देखने को मिलते हैं। चलिए, ये हो गया अपना सदर्न बेल्ट। अब इसके बाद आते हैं अपन फोर्थ वाले पे, साउथ वेस्टर्न बेल्ट। अब आता है अपना साउथ वेस्टर्न बेल्ट, तो लोकेशन से ही पता चल जाता है कि साउथ वेस्टर्न बेल्ट कौन सा है, अपना ये वाला फोर्थ वाला कहां पर फैला हुआ है, यहीं पर पड़ता है, इस जगह पर पड़ता है बेटा गोवा। एक तो गोवा में फैला हुआ है और कुछ भाग कहां पर है इसका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी बेसिकली कौन सी माइंस है, रत्नागिरी। कौन सी है, रत्नागिरी। ठीक है, रत्नागिरी माइंस तक फैला हुआ है। देखिए आगे, एक्सटेंडेड इन सदर्न पार्ट्स, कहां पर फैला हुआ है, कर्नाटका के सदर्न पार्ट्स और गोवा तक ये फैला हुआ है, और महाराष्ट्र वाला रीजन भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, क्या क्या मिलता है इसके अंदर, आयरन ओर है, गार्नेट है, गार्नेट एक प्रकार का मोती होता है। ठीक है, आप आभूषण में काम में लेते हैं उसको, क्ले है, मिट्टी मिलती है, और फाउंड है, यहाँ पर ये सभी चीजें देखने को हमको मिलती है। चलिए अब आते हैं अपन लास्ट वाले में। लास्ट वाला हम हमारे स्टेट से ही बिलोंग करता है, अरावली की पहाड़ियों के आसपास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कहां से कहां तक पाया जाता है, ये पाया जाता है राजस्थान वाले हिस्से से लेकर, जो अरावली की पहाड़ियां हैं बेटा, ये अरावली की पहाड़ियां हैं यहाँ पर, तो यहां से लेकर के ये गुजरात के जहां तक अरावली पहाड़ियां जा रही है वहां तक ये देखने को हमको मिलता है। ठीक है, देखिए आगे, इसका नाम क्या रखा गया, नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट इसका नाम रखा गया है। ठीक है, कहां से कहां तक फैला हुआ है, स्प्रेड इन अरावली रीजन ऑफ राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, गुजरात तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इसमें कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, तो इसमें मिलते हैं बेटा, कौन से मिनरल मिलते हैं, नॉन फेरस मिनरल मिलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना ऊपर, नॉन फेरस कौन से होते हैं, कि मेटलिक के दो भाग होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस का मतलब क्या होता है, जिनमें आयरन की मात्रा पाई जाती है मिनरल के अंदर, और नॉन फेरस कौन से होते हैं, जिनमें आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती है, जैसे मार्बल हो गया अपना बेटा। ठीक है, पत्थर वगैरह हो गए अपने, तो उनकी मात्रा नहीं पाई जाती। तो जैसे यहाँ पे और कौन सा मिल गया, कॉपर हो गया अपना, लीड हो गया, जिंक हो गया, माइका हो गया। ठीक है, ये सभी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं, और दूसरे पीसेस स्टोन्स हो गए और जिप्सम वगैरह इसके अंदर हो गए। ठीक है, तो ये तो थे बेटा अपने मेजर मिनरल बेल्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।